आपका इसमें ग्रामी क्या है? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। और भाईजान का? शौकत अली। तो हम ये चाहते हैं कि चलो हाजिरी भी हो गई है, सरकार के दरबार का दीदार भी हो गया, ज़ियारत भी हो गई है, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पता चल जाए। अगर आपको कुछ सरकार के बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी मालूम हो। इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकते, क्योंकि 6-650 साल इनको रुख्सत हुए हो चुके हैं, 6-650 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और उनकी बैक हिस्ट्री का बहुत कम लोगों को ही लगा जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, गुजरते भी हैं, देखते भी हैं। इधर के रहशी हैं जी। मैं रहने वाला हूँ अपना नियादी अड्डा बकरमंडी, ठीक है जी। तो हमारा गुजर डेली इधर से होता है। मेले का पता चला, देखा मैंने, तो मैंने सोचा कि भाई को साथ लेके जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जी। सुनाब में मेले का एक नाम है जी, और खोखर प्रादरान है जो जी, बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। अच्छा, इंतजाम आज जो है वो अपने खोखर भाई जो है उनके इख्तियार आदमी के साथ। माशाल्लाह, सबील का बहुत अच्छा इंतजाम होता है, लंगर का वसी इंतजाम होता है, कबड्डी का बहुत अच्छी टीमें मंगवाई जाती हैं। इधर के रहने वाले, मैंने अंदर जाके देखा, ज़ियारत की है, बड़ी रूहानियत तो बड़ा सुकून मिला मुझे। शौक रखते हैं हम जाने का। मेरा नाम सैयद वसीम अब्बास है, तो आना जाना लगा रहता है। कुछ जगह तो ऐसी होती हैं कि दिल जीत लेती हैं, यानी कि जहाँ पे फिर दिल करता है बार बार आने के लिए। तो उनमें से आज ये भी जगह मैंने एक देखी है कि मैं आया हूँ तो मेरा दिल करता है कि मेरा जब भी टाइम लगे और मैं आगे सलाम करके जाऊँ। मजेदारी की बात यह है कि लाहौर में नज़दीक नज़दीक आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको इस तरह की खुली डुली जगह क्या कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर एक और वजूहत है कि जब भी हम जाते हैं ना दरबारों पे, कुछ जगहों पे, बल्कि कुछ नहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है जी, वो कैमरे में निकलने नहीं देते, वीडियो बनाने नहीं देते। हालांकि ये होना चाहिए, जो बाहर के इलाकों के लोग हैं उनको पता चले कि लाहौर में कैसी कैसी हस्ती हैं, सबको पता चाहिए। ये पहले तो देखे जी, काफले आते थे या अगर लोग आते थे इतने किलोमीटर सफ़र करके, और आज ये एक तवसल है जो वीडियो का, लोग घरों में बैठ के पता चल रहा है लोगों को दादा हंजर पीर सरकार भी हैं। तो चले जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जिंदगी के मेले हैं, अगर जिंदगी है तो मेले चलते रहेंगे। को दंगल हुआ है। अच्छा, पंजाब लेवल पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कौन सी जगह पे हुआ है? ये पीछे ग्राउंड है। अच्छा, पीछे ग्राउंड भी है। 54 एकड़ जगह है। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पहले दिन से यानी कि 3 दिन का मेला हुआ है? 4 दिन का हुआ है। 28 का हुआ है जी। 30 बड़ा लेट को हो गया, मिस्टेक हो गई हमसे। साजिद भाई, बड़ा अच्छा लगा जी। 2 दिन कबड्डी हुई है। अच्छा, कबड्डी भी हो गई है, माशाल्लाह। इंटरनेशनल प्लेयर आए हुए। वेरी गुड जी, इंटरनेशनल प्लेयर भी आए हुए थे, कबड्डी शबड्डी सारा, यानी कि इंतजाम आते, अच्छे इंतजाम आते। देखने वाला मेला था यार, जो हमने मिस कर दिया, हमसे मिस हो गया, हमने किया नहीं, हो गया। जो हमारा कल्चर है ना, उसके मुताबिक सारा इंतजाम किया जाता है। क्या बात है, इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। हस्ती हैं जी, क्या बात है जी। नेक वली है ना, उनके मजारात पे आना भी चाहिए। बिल्कुल, और वो कुछ देते हैं, हमारा तो कीदा जी लेने का तरीका हो तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ देते जरूर है। बिल्कुल, ये हमारा एक यकीन है। मुलाकात होगी, जिंदगी के मेले हैं। मैंने तो पहले ये बात की थी, मेले जिंदगी के हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम आए हैं जी खंजरवाल, जो कि लाहौर में मौजूद है, आज मेला देखने के लिए। मैं और साजिद पहली बार आए हैं और आज देखते हैं कि मेले की रौनक क्या होती है। ना वो से कभी शिरकत की है मेले में और ना कभी मैंने की है। और सबसे पहले ये जो दुकानें लगी हुई हैं, सजी हुई हैं, सबसे पहले इनको रिकॉर्ड करते हैं और उसके अलावा फिर आगे चलते हैं जहाँ पे मेला शुरू है, मेला स्टार्ट है। ठीक है जी, लाहौर का बदल निकाल कर पहले स्टेशन पे आ गए। और मेरे भाई, कैसा लगा मेला शेले का? क्या रौनक है, क्या सिस्टम है, कब का शुरू है, कब खत्म होने वाला है, ये सारा बताओ जरा। ऊंची आपने बोलना है, जरा माइक की आवाज आए। यार ये ना स्पाइस लीग से शुरू हुआ, ठीक है, और ये 30 पे खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह मेला बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा। आप इधर के रहायशी हो? लो जी, प्यारे दोस्तों, देख रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि मेले के जो रवायती जो सिस्टम है वो यही है। खाने पीने की शॉप जो है
और ये खाने पीने की शॉप जो है ये रौनक बनाती है मेले की। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बाजार सजा हुआ है, खाने पीने का सारा सिस्टम जो है और बड़े साफ सुथराई है। और आगे जाके देखते हैं अभी मेले का इंशाल्लाह क्या रौनक मेला है, आगे सिस्टम जो है वो पता चलेगा इंशाल्लाह। हाँ जी साजिद भाई, अभी क्या कहोगे आप? मैंने तो माशाल्लाह देखा है पूरी रौनक, पूरा नज़ाम जो बाजार का रिकॉर्ड किया है। अभी आगे जाना है हमने भाई, क्या हो गया? हाँ जी भाई, बस ऐसे ही आज सलाम करने के लिए आए थे, मेला देखने के लिए आए थे। लो जी दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है बाबा खंजर पीर सरकार के मेले के साइड वाली जगह पे हम जा रहे हैं अभी, मैं और साजिद भाई, और साथ साथ जो लगी है शॉप्स लगी हुई हैं माशाल्लाह जी। ये पूरा रौनक मेला आज हम पहली बार देख रहे हैं और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है मैं भी यही लग रहा है लो जी देखे जनाब नगारे, मेला तो बच्चों का है जी। एक्चुअल में मुझे लगता है साजिद भाई कि हम जो है ना मेले में लेट हो चुके हैं, अभी रौनक मेला जो है ना बहुत कम हो चुका है, आज हम लेट हो गए हैं, या तो फिर मेला ख़त्म हो चुका है और या फिर हम लेट हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये तो मेला तो लेट नाइट ही चलता है, आज आखिरी दिन ही है मेले का। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये आखिरी दिन, रौनक नहीं है, सन्नाटा सन्नाटा हो गया। हाँ जी हाँ जी, जिस दिन आप पहले कह रहे थे कि आना है उस दिन ओके था काम। सही बात, चलो महाराज जितना भी बनेगा अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे, जितना भी माहौल है वो दिखाएं, झूले झूले ये बच्चे। पहली तारीख से कितने दिन मेला चला है? 5 दिन चला है, आज आखिरी दिन है। लो जी प्यारे दोस्तों, आज आखिरी दिन है और हम लेट हो चुके हैं। बड़े दिल की बड़ी ख्वाहिश थी कि बाबा हंजर पीर सरकार का मेला देखें, पहली बार आए हैं और पहली बार लेट ही हो गए। आप लोग भी इधर के रहने वाले हो, इधर ही रहाइश आप लोगों की, तो कैसा रहा मेला? बड़ी रौनक होगी माशाल्लाह, अच्छा हो गया। हम लेट हो गए, क्या नाम किया आपका? साजिद। और यार आपका नाम क्या है? मेरी तरफ देखो, क्यों शर्मा रहे हो यार? अदनान। लो जी झूला अभी स्टार्ट किया है, मेरा ख्याल है कि बच्चे बड़े सारे बैठे हुए हैं जिसमें पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हजरत दादा खंजर पीर रहमतुल्लाह, क्या बात है जी, माशाल्लाह रूहानियत वाला दरबार है जी।
तो मेरे दोस्तों माशाल्लाह देखा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा रूहानियत, बहुत ही ज़्यादा सुकून इस जगह पे, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। मुझे पीरों फ़कीरों पे दरबार पे जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जा सकूँ। लो जी प्यारे दोस्तों, अभी हुआ ऐसा है कि आज हम आए हैं मैं और साजिद भाई, मेला जो है वो तो ख़त्म हो चुका है। अब लिहाजा ये है कि जितना हो गया हाजिरी भी हो गई है, सलाम कर ली है, तो अभी मैं और साजिद इधर से वापस जाएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को और हम लोगों को सलामत रखे, बखैरियत रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आवाज रहे, और वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, साजिद भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साजिद भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह हम दोनों भाई मेहनत में लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से एक दिन वो भी टाइम आएगा जब हम भी सब्सक्राइबर मांगने नहीं पड़ेंगे, कहना नहीं पड़ेगा, खुद चलता जाएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।